नमस्कार दोस्तों, आरबीएल बैंक शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.45% के क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रहा है। पिछले तीन दिन से लगातार स्टॉक में बुलिश कैंडल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा, तेजी आएगा, क्या कंडीशन बनेगा, चलिए डिटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों नोटिस करेंगे ओवरली स्टॉक आपको क्लियरली एक्जैक्टली यहाँ पर एक अपट्रेंड में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा था, उसको ब्रेकडाउन करके अभी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। दूसरे रेजिस्टेंस को देखें तो यहाँ पर भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहे हैं, जो कि 221 का सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आ चुका है और अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पर था यानी कि 191 में, इसको भी ब्रेकडाउन करके नीचे आ चुका है। तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर है यानी कि 163 का, जहाँ पर स्टॉक अभी सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास में आता है तो वहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस भी करता है। तो अगर यहाँ से बाउंस करे और अपना ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करे तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी का मोमेंट बन सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकडाउन करते तो अगला सपोर्ट लेवल हमारे सामने रहेगा 138। ठीक है, तो सभी लेवल से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में है। इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।